Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we will have some practice questions on calculation of per unit cost in process costing. इससे पहले lectures के अंदर मैंने आप लोगों को equivalent unit की calculation करना सिखाया था और मैंने जो कल आप लोगों के साथ videos share की हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को departmentalized structure के अंदर process costing के अंदर किस तरीके से per unit cost calculate करते हैं और उनकी journal entries कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने videos share की थी, hope so आपने उनको देखा होगा। फिर इसके बाद जो है हम departmentalized जब structure होता है, जब departmental factory होती है तो उसके अंदर जो है वो हम लोग किस तरीके से process costing को apply करते हैं और कैसे हम हर एक department के अंदर per unit cost को calculate करते हैं और किस तरीके से वो वाली cost जो है वो अगले department में transfer होती है और फिर हम लोग जो है वो finished goods में उसको किस तरीके से transfer करते हैं। इस तमाम flow of cost के ऊपर मैंने journal entries जो है उस videos के अंदर explain की हुई हैं, hope so आप लोगों ने उसको देखा होगा तो आप लोग जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हुए। हम लोग जो है वो आज कैलकुलेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस करेंगे। मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक से कुछ एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा कि उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस हैं, हम लोग जो है वो उस तरीके से यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखते हैं और हम हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिए किस तरीके से इक्विवेलेंट यूनिट को यूज करके और किस तरीके से हम लोग पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक कॉस्ट एलिमेंट वाइज और फिर उसको जो है वो यूज करके हम लोग पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर इन अ पर्टिकुलर पीरियड वाइल अप्लाइंग प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Here is the problem. This is exercise 5.3. हम लोग जो है वो exercise 5.3 को लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। During a month, company with no departmentalization incurred cost of 45,000 for materials. 45,000 का material जो है वो उन्होंने खर्च किया है, एक non-departmentalized factory है जिसमें कोई department नहीं है और for labor and 36,000 for labor and 22,500 for factory overhead. There were no units in process at the beginning or the end of the month. बिगिनिंग और एंड पे कोई यूनिट प्रोसेस जो है इन प्रोसेस नहीं है, मीन कोई भी पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं है जिनको जो हमें इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके, 20,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड। डिटरमाइन द यूनिट कॉस्ट फॉर द मंथ फॉर मटीरियल्स लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटीरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हम लोगों ने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली हमें डेटा दिया गया है। एक तो तरीका ये है कि हम लोग इसको जो है वो सिंपली कर लें कि किस तरीके से हम लोगों ने हर एक कॉस्ट एलिमेंट की यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो है इसकी एक पर्टिकुलरली जो कॉस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं उसके ही सेगमेंट्स को हम लोग सीख लेते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और वो वाला हमें भी समझ आ जाएगा कि हम कॉस्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और प्लस इसके अलावा हम लोग जो है वो ये भी समझ सकते हैं कि इसको यूज करके हम यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपके साथ जो है वो सॉल्यूशन इसका जो है वो आपके साथ हल करने की कोशिश करता हूं। दिस इज एक्सरसाइज E5.3। ये हमारे पास 5.3 एक्सरसाइज है। अगर मैं इसी की बात करूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अगर मैं बनाने की बात करता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, तो उसके लिए जो भी हमें बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट इन अ फैक्ट्री और इन अ डिपार्टमेंट।
किसी भी एक डिपार्टमेंट में या किसी फैक्ट्री में हम लोग पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। अब ये जो पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट, ये बराबर होती है टोटल कॉस्ट चार्ज्ड इन पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितनी कॉस्ट चार्ज की है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और फैक्ट्री ओवरहेड भी है, और डिवाइड करते हैं हम लोग टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। उस पर्टिकुलर पीरियड में कितने यूनिट कंप्लीट किए हैं, ये हम लोग दो इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें चाहिए होती है। अब ये दो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट समरी बनाना पड़ती है और उसके बाद हमें इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना पड़ती है। तो अगर हम लोग कॉस्ट समरी और इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन करना चाह रहे हूँ तो हम सबसे पहले कॉस्ट समरी की बात कर लेते हैं। कॉस्ट समरी जो है वो हमारे पास क्या है कि ये डायरेक्ट मटीरियल्स है, फिर डायरेक्ट लेबर है और फिर एफ ओ एच की कॉस्ट है और यहाँ पे हम लोग इसकी टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं। अब ये जो बेसिकली कॉस्ट समरी में क्या हो सकता है, हमारे पास दो तरह के यूनिट्स आ सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, कि एक बिगिनिंग यूनिट हो सकते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो इस पीरियड के अंदर कुछ यूनिट हमें रिसीव हो सकते हैं जिनको हम लोग जो है वो लेके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि हमारी ओपनिंग यूनिट्स कोई भी नहीं थे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री। जो बिगिनिंग यूनिट्स इन्वेंट्री थी उनकी जो है वो कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी, तो हमने कहा जी कोई डायरेक्ट मटेरियल नहीं था, कोई लेबर नहीं थी, कोई एफओएच नहीं थे, टोटल भी कोई नहीं था। ये हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग कॉस्ट समरी का फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है तो बिगिनिंग और एंड पे कोई भी यूनिट्स नहीं है, इसलिए हम लोग बिगिनिंग यूनिट्स के अंदर जो है वो जीरो लिख रहे। फिर उसके बाद है जी कॉस्ट चार्ज्ड इन दिस पीरियड, इस पीरियड में हमने कितनी कॉस्ट चार्ज की है, तो हमें यहाँ पे गिवन है हमें मटेरियल जो है वो हमें चार्ज हमने किया है 45,000 का, लेबर हम लोगों ने चार्ज की है 36,000 की, और FOH हम लोगों ने चार्ज किए हैं दैट इज 22,500 के। दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन आवर क्वेश्चन। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 22,500 के ओवरहेड है, 36,000 की लेबर है और 45,000 के मटेरियल्स हैं। तो ये हम लोग जो है वो वहां पे लिख लेते हैं और फिर उसके बाद टोटल जब हम लोग इसका करते हैं तो ये आ जाता है जी 103,500 की जो है वो टोटल फिगर हमारे पास आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज, ये हमें हमारे पास जो है वो हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिए इसकी कॉस्ट आ गई। अगर हमें ओपनिंग भी होती तो हम लोग ओपनिंग और इसकी इस पीरियड वाले को ऐड करके टोटल जो है वो इसके नीचे लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिस पीरियड। इस पीरियड में कितनी टोटल कॉस्ट बनी, तो 45,000 प्लस जीरो 45,000 ही बन जाएगा और फिर उसके बाद 36,000 प्लस जीरो ये 36,000 ही बन जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे जब हम करेंगे एफ ओ एच भी 22,500 प्लस जीरो तो ये 22,500 ही बन जाएगा और इसी लिहाज से जब हम लोग इसका करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो वही वाली अमाउंट आ जाएगी 103,500 का। जब हम लोगों ने इसको भी किया 103,500 ये भी हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज हमें चाहिए इनके नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, या जिसको हम लोग जो है वो यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट का नाम भी दे सकते हैं, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आप कह लें। तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें चाहिए, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर जो है वो एक कंप्लीट आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वही वाली कैलकुलेशन आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है हमें चूंकि डायरेक्ट मटीरियल्स के लिए भी चाहिए, डायरेक्ट लेबर के लिए भी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या एफ ओ एच के लिए भी चाहिए, हमें तीनों कॉस्ट एलिमेंट के लिए अलग-अलग से
इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना होते हैं। अब इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए बेटे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड। ये जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी सारे क्वेश्चन समझाए थे कि यूनिट्स कंप्लीटेड हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि 20,000 के यूनिट्स कंप्लीटेड जो है वो हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, और 20,000 के हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीटेड लिख दिए। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें ऐड करते हैं। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट जो है ऑफ एंडिंग यूनिट्स बना लेते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होते हैं उनको हम कंप्लीट यूनिट में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो चूंकि हमें उन्होंने बताया ही नहीं है वो जीरो यूनिट्स हैं, तो इसलिए इनकी कैलकुलेशन भी जीरो आ जाएगी। इस लिहाज से मेरे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट बनते हैं सारे कॉस्ट एलिमेंट्स के लिए वो वही वाले 20,000 की ही फिगर आ जाएगी। मैं 20,000 जो है वो हर जगह पे यहाँ पे लिख लूंगा, तो इस लिहाज से मेरे पास 20,000 इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। तो ये मैं जब यहाँ पे 20,000 यहाँ पे लिखूंगा और मैं ये भी 20,000 फिर मैं यहाँ पे भी लिख लूंगा, 20,000 मैं यहाँ पे भी लिख लूंगा, और यहाँ पे टोटल में मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती। ये मैं आप लोगों को आगे चल के भी समझाऊंगा कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर ये डिफरेंट डिफरेंट आते तो फिर टोटल इनका जो है वो हमें करने की जरूरत नहीं होती, हमें टोटल इसको नहीं करना, हमने टोटल भी 20,000 ही यूनिट होते हैं क्योंकि उनकी टोटल कॉस्ट इतनी है। अब हम लोग निकले थे जी पर यूनिट कॉस्ट। अब हम कहते हैं पर यूनिट मटेरियल कितना लगा है, तो 45,000 को जब हम लोग 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर यूनिट मटेरियल आ जाएगा, ये हमारे पास आता है जी 2.25, ये हमें पर यूनिट मटेरियल्स आ गया। 36,000 को 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.80 पर यूनिट, और इसी तरीके से 22,500 को जब हम लोग 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.125 ये हमारे पास। अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ये जो हम लिख देंगे 5.175। तो इस तरीके से आप पर यूनिट कॉस्ट टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप याद रखिएगा कि आपने इंडिविजुअल कॉस्ट एलिमेंट वाइज पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसको जो है वो टोटल यूनिट कैलकुलेट करना है, टोटल यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हर एक कॉस्ट एलिमेंट वाइज प्लस इसका टोटल जो है वो आप लोग करोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसके जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं कर लेता हूं इसकी अगर मुझे एंट्रीज करना पड़ती हैं तो मैं एंट्रीज किस तरीके से करूंगा। तो पहली एंट्रीज जनरल एंट्रीज मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को इसके जो है वो जनरल एंट्रीज बताने जा रहा हूँ, जनरल एंट्रीज। अच्छा जी, सबसे पहले जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो होती हैं जी कॉस्ट चार्ज्ड टू फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट चार्ज टू फैक्ट्री और या चार्ज टू प्रोडक्शन की अगर आप बात करते हो तो उसमें आप क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट है ही नहीं, एक सिंगल फैक्ट्री है, तो इसलिए आप क्या करोगे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और क्रेडिट आप करोगे मटेरियल्स अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, पेरोल के अकाउंट को आप पेरोल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, और FOH के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट आपने करना है जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन गिवन है। आप जरा गौर करें कि आपकी टोटल कॉस्ट एलिमेंट बनते थे 1,03,500, तो आप इसके साथ इसको क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे, 1,03,500 के साथ डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट्स में जो जो आपको अमाउंट्स दी गई हैं जैसे 45,000 है, 36,000 है और 22,500 है, इनके साथ इसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे 45,000, ये लिखेंगे आप 36,000 और ये लिखेंगे 22,500, इनसे आप लोगों ने क्रेडिट कर देना है। और इसकी अगर आप नरेशन लिखोगे तो ये आप लिखोगे कॉस्ट चार्ज्ड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट को आपने मटेरियल लेबर और FOH जो है वो आपने प्रोडक्शन को चार्ज कर दिया है, इस लिहाज से आप क्या करते हो ये एंट्री करते हो। तो याद रखिएगा ये जो कॉस्ट समरी जो होती है यहाँ पे, ये जो आप लोग ये वाली जो कैलकुलेशन कर रहे हो ये इससे आप ये की ये वाली एंट्री जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है, ये समझाई है, ये वाली एंट्री आप उस वाली कॉस्ट इंफॉर्मेशन या उस टेबल को देख के आप करते हो।
फिर उसके बाद आप कहते हैं कि आपने कितने यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और उनकी कॉस्ट जो है वो आप आगे ट्रांसफर कर देते हो। क्योंकि अब यहाँ पे फैक्ट्री में कोई आगे डिपार्टमेंट नहीं है तो जब भी यूनिट कंप्लीट होंगे वो स्टोर रूम में चले जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि तो जितने यूनिट बिगिनिंग में थे वो तो जीरो थे, जितने आपने स्टार्ट किए वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए क्योंकि एंडिंग भी यूनिट कोई भी नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो एंडिंग यूनिट भी हमें कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास जितने यूनिट हमने स्टार्ट किए वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। हमने कहा 20,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 को पर यूनिट कॉस्ट जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है 5.175, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 103,500 की ही एंट्री हो जाएगी, 103,500 के साथ। और ये जो 103,500 है ये कैसे आया है कि हम लोगों ने जो है वो 20,000 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 5.175। 5.175 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 20,000 के साथ तो आपके पास जो 103,500 आ जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की आपने एंट्री की है जो कि आप लोगों ने फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफर कर दी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जो है वो एक एंट्री बना सकते हैं और दो एंट्रीज बेसिकली होंगे, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट और दूसरा क्या है, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट की एंट्री। ट्रांसफर्ड इन की कॉस्ट कितनी ट्रांसफर इन कॉस्ट हो रही है ये उसकी एंट्री है और कितनी कॉस्ट ट्रांसफर आउट हो रही है ये इसकी एंट्री है। तो ये बेसिकली आप क्या करते हो, दो एंट्रीज करते हो जब आप लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं या प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। होप सो जो है वो आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4 है, ये भी छोटा सा है, यूनिट कंप्यूटिंग यूनिट कॉस्ट है। शवेज केमिकल कंपनी रिकॉर्डेड कॉस्ट फॉर द मंथ 18,000 फॉर द मटेरियल, 44,100 फॉर लेबर एंड 26,500 फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीन कॉस्ट एलिमेंट हैं। देयर वाज नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, 8,000 यूनिट्स वर फिनिश्ड, कोई बिगिनिंग नहीं था, 8,000 हमने फिनिश की हैं, 3,000 यूनिट्स वर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड, 3,000 यूनिट जो है वो एंड ऑफ द पीरियड प्रोसेस के अंदर हैं और जो के 2/3 कंप्लीटेड है, जिनकी उन्होंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बता दी है। कंप्यूट द मंथ्स यूनिट कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड द टोटल यूनिट कॉस्ट, राउंड यूनिट कॉस्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। और उन्होंने कहा जी हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिए यूनिट कॉस्ट निकालें और उसके बाद जो है वो इसको टोटल भी करें। अगर मैं इसी को वही वाला फॉर्मेट जो मैंने पहले आप लोगों को समझाया है उसी को ही हम यूज करके इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सबसे पहले अगर मैं एक इसको अगर CPR बनाने की कोशिश करता हूं, ये है एक्सरसाइज 5.4। अगर मैं CPR कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या प्रोडक्शन समरी बनाता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी, तो सबसे पहले मुझे बनाना है QUANTITY क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल और एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट, ये मैं दो काम इकट्ठे कर लेता हूं। देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल में मैं लिखता हूं सबसे पहले बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस और यहाँ पे मैंने यूनिट्स लिखने हैं इसके, मेरे चूंकि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस मुझे कोई नहीं दिए गए, ये जीरो है। फिर उसके बाद मैं ये कहता हूं जी यूनिट्स स्टार्टेड, स्टार्टेड भी अभी मुझे मालूम नहीं है और इसी तरीके से मेरे पास जो है ये टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, टोटल यूनिट्स ये भी मुझे नहीं मालूम। अब मैं कह लेता हूं कंप्लीटेड,
कंप्लीटेड यूनिट्स जो है वो मुझे गिवन है, ये मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर। तो उन्होंने कहा जी 8,000 यूनिट्स वर फिनिश्ड थे 8,000 यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स में लिख लेता हूँ 8,000। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जी वर्क इन प्रोसेस एंड, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो उन्होंने कहा जी 3,000 यूनिट्स हैं जो के क्या है 2/3 कंप्लीटेड है, 2/3 है ये वाले। अभी मैं दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल आ जाएगा, टोटल है जी मेरे पास कितने 11,000 यूनिट्स। तो मैं 11,000 यहाँ पे, अब यही वाला टोटल मैं सेम क्या लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा 11,000, और चूंकि बिगनिंग मेरे पास कोई भी नहीं है तो फिर मैंने यूनिट स्टार्ट भी कितने किए हैं 11,000 ही किए हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या बन गया है, क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया है। अब मैं इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसके लिए जितने कॉस्ट एलिमेंट हैं उसी हर कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले जी डायरेक्ट मटेरियल, फिर है जी डायरेक्ट लेबर, और फिर है जी FOH। तीन कॉस्ट मुझे दी गई हैं, तीनों कॉस्ट एलिमेंट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। मैंने सिंपल रूल क्या है, कंप्लीटेड यूनिट का मतलब क्या होता है कि हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से ये यूनिट जो है वो 100% हो गए हुए हैं। तो आपने अगर इक्विवेलेंट यूनिट का फॉर्मूला लिखाना है तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो आप क्या करते हो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। अब देखो 8,000 है तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100% लग गया, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100% तो ये 8,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर के लिहाज से 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100% तो 8,000 आ जाएगा, और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100% तो 8,000 आ जाएगा। मीन जो कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं उनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन होता है 100% जो है वो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स। अगर मैं कंप्लीटेड यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन मुझे गिवन नहीं है लेकिन मैंने क्या किया है, कंप्लीटेड का मतलब क्या है 100% कंप्लीट है। अब ये जो 3,000 है ये 2/3 कंप्लीट है, 2/3 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ये मैंने किया तो ये आ जाएगा जी 2,000। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा जी 2,000, और इसी लिहाज से ये भी आ जाएगा जी 2,000। ये मेरे पास जो है वो ये आ जाएंगे मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, 8 और 2 10,000 और 8 और 2 10,000। अब मैं ये कहता हूँ जो भी उसकी टोटल कॉस्ट लगी हुई है वो इन यूनिट्स के ऊपर डिवाइड होनी है, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं उसके। अब मैं इसके बाद जो है वो कॉस्ट चार्ज्ड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन का मैं जो है वो एक सेगमेंट बना लेता हूं। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूं, ये मैं बेसिकली आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है ये उसी के ही सेगमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में उसके बाद आप लिखेंगे जो है वो टोटल कॉस्ट, और इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, ये तीन कॉस्ट एलिमेंट हैं, तो तीन आप क्या कर लोगे इसके यहाँ पे आप कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आपने सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस की हमें गिवन ही नहीं है, है ही नहीं है, तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी क्या आ जाएगी सारी जीरो, जीरो 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 आएगी, तो ये भी जीरो है। फिर उसके बाद है जी एडेड दिस पीरियड, इस पीरियड में हमें कितनी कॉस्ट ऐड हुई है ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि फॉर द मंथ 18,900 मटेरियल ऐड किया गया है, 44,100 लेबर है और 26,250 के फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो मैं इस समरी के अंदर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बताया है मटीरियल्स है मेरे पास 18,900, डायरेक्ट लेबर है जी 44,100 और FOH है जी वो 26,250 के, और जब मैं इन सब को टोटल करूंगा तो ये बन जाता है जी 89,250 के बराबर हो जाता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डबल लाइन कर दूंगा, क्योंकि इनके टोटल्स भी यही बनेंगे, जीरो और ये होगा तो ये भी टोटल भी इसी तरीके से बनेंगे। लेकिन अगर आप पूरे फॉर्मेट को फॉलो करना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये पूरे फॉर्मेट को आप कैसे करेंगे। आप इसके नीचे जो है वो लाइन लगाएं
और फिर इनका टोटल कर लें, ये जीरो और प्लस ये आ जाएगा 89,250 और ये इसी तरीके से 18 प्लस जीरो आ जाएगा 18,900 और इसी तरीके 44,100 आ जाएगा जी 44,100 और जो है वो 44,100 और फिर इसी लिहाज से ये 26,250 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पर यूनिट क्योंकि कॉस्ट निकालना है तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स जो अभी मैंने कैलकुलेट किए हैं यहां पे जो क्वांटिटी स्केड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट में 10,000 कैलकुलेट किए हैं, मैं यहां पे लिखूंगा 10,000, फिर ये भी 10,000 और ये भी 10,000। ये बेटे डिफरेंट भी हो सकते हैं, सॉरी टोटल के नीचे पे आपने याद रखिएगा नहीं लिखना है, ये टोटल के नीचे आपने नहीं लिखना है, सिंपली आपने हर एक कॉस्ट एलिमेंट के नीचे उसके इक्विवेलेंट यूनिट लिख लेने, क्योंकि टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आपने नहीं लिखने हैं, हर एक कॉस्ट एलिमेंट के आपने इक्विवेलेंट यूनिट लिखने हैं। याद रखिएगा इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ये इंफॉर्मेशन आपने खाली छोड़ देनी है। अब लिखते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी, 18,900 को जब आप लोग डिवाइड करोगे 10,000 पे तो ये आ जाएगा जी 1.89, ये आ जाएगा जी 1.89 और इसी तरीके से आ जाएगा जी 10,000 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो 4.41 और इसी तरीके से ये आ जाएगा जी 2.625। ये तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन तीनों का जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा जी 8.925। इस लिहाज से हमने कहा जी कि ये टोटल आपके पास जो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट हो गई है, कि अब आपके पास जो है वो पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल है 1.89, डायरेक्ट लेबर है 4.41 और FOH है 2.625 और टोटल कॉस्ट है 8.925। इस लिहाज से आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट जो हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है, कि आप हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से भी और फिर टोटल पर यूनिट कॉस्ट भी निकालो। तो याद रखिएगा बेटे यहाँ पे आपने कभी भी इनके इक्विवेलेंट यूनिट हर एक कॉस्ट एलिमेंट के होते हैं, टोटल कॉस्ट के नीचे या टोटल के कोई भी कॉस्ट एलिमेंट नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, इसके सामने आपने कुछ नहीं लिखना है। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट या कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन का जो एक पोर्शन होता है ये वो वाला आ जाता है। अब इसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, ये तीसरा सेगमेंट बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का, ये सेकंड है और इससे पहले जो हम लोगों ने बनाया है ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये वाला जो है कॉस्ट क्वांटिटी स्केड्यूल और जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन की है ये है जी फर्स्ट स्केड्यूल, ये हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है और फिर उसके बाद जो है ये हमारा सेकंड स्केड्यूल है और फिर ये हमारा थर्ड स्केड्यूल बनता है, ये तीन सेगमेंट बनते हैं सीपीआर के। अब हमने ये देखे जी कि हमने कंप्लीट किए हैं यूनिट 8,000 और मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट आ रही है 8.925। ये वाली जो फिगर है ये हमने बेसिकली कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट निकालने के लिए करना होती है 8.925। जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 8.925 को 8,000 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी इज इक्वल टू 71,400 की फिगर आ जाएगी। इट मींस कि आपके पास जो 89,250 की जो कॉस्ट थी उनमें से 71,400 की जो कॉस्ट है ये ट्रांसफर आउट हो गई है, कंप्लीट होके यूनिट्स जो हैं वो आगे चले गए। अब मैं अगर इनकी मुख्तसर एंट्रीज आपको समझाता हूं तो पहली आप एंट्री करोगे कॉस्ट एडेड दिस पीरियड, उसकी जो कॉस्ट होगी उसकी एंट्री करेंगे तो आप करोगे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और यहां पे आप लिखोगे मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट, फिर उसके बाद पेरोल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और FOH के अकाउंट को भी आप क्रेडिट कर देंगे, ये डेबिट हो जाएंगे।
अब इसमें अमाउंट कितनी आएगी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था, ये 89,250 इधर आ जाएगा, 89,250। और इसमें जो है वो आपकी जो भी आपने यहाँ पे की है 18,900, 44,100, 26,250, ये आप यहाँ पे लिख देंगे 18,900, 44,100, फिर 26,250। ये वाली जो है वो बेसिकली आपकी एंट्री आ गई है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की, या कॉस्ट एडेड दिस पीरियड की। और दूसरी जो एंट्री आपने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स की जो आप एंट्री करोगे वो आप करोगे जी फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट आप लिखोगे जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है 71,400 की, 71,400। और इस तरीके से आपकी कंप्लीटेड गुड्स की आ जाएगी। और आप जहां पे देखो जी कि आपकी ये कंप्लीटेड गुड्स की आ जाएगी और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आपके पास आएगी, वो उसमें मटेरियल्स भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा और FOH भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी मटेरियल्स, लेबर और FOH। और ये क्या आप करोगे, इनके इक्विवेलेंट यूनिट लोगे। इक्विवेलेंट यूनिट आप लोगों ने यहाँ पे भी कैलकुलेट किए हैं 2000, 2000 और 2000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे जी 2000 ज़रब 1.89, फिर 2000 ज़रब 4.41, फिर उसके बाद आप करोगे जी 2000 ज़रब 2.625। और इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे जो है वो आपके पास इनकी कॉस्ट आ जाएगी। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो ये बराबर आना चाहिए 89,250 का। तो ये बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन होती है हमारी कॉस्ट की, जो कि हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते होते हैं। इनको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को कंप्लीट फॉर्मेट के साथ समझाऊंगा तो यही बेसिकली ये वाले स्टेप्स ही करूंगा। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास के अंदर जो है वो हम बिगिनिंग इन्वेंट्रीज की फिगर्स को लेके आगे जो है वो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना सकते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो होप सो कि आप लोग इन तमाम कैलकुलेशंस को और जो जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं उनको समझ के होंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी।